नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है स्वाति मालीवाल केस को लेकर के। दरअसल आपको बता दें कि जो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं असमंजस में फंसी हुई थी, उसी कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी अब कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस को आईना दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर से अधीर रंजन चौधरी ने यह कहा है कि किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो महिला के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करे। जिसने भी ये किया है वो घोर निंदनीय है और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि ये कहा करती हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, उन्होंने बकायदा ये बयान दिया था कि आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है और पार्टी ही इस मामले को लेकर के निर्णय लेगी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर स्वाति मालीवाल का जो मेडिकल रिपोर्ट है वो भी सामने आ चुका है। इसी के साथ ही शीश महल से सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जो कि कई सारी बातों का खुलासा करता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि स्वाति मालीवाल का जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आया है उसमें चेहरे से लेकर के पैर में कितनी चोटें लगी है इसका बाकायदा उल्लेख किया गया है। बता दें कि स्वाति मालीवाल केस की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास पर क्राइम सीन को कल रिक्रिएट किया। कल पुलिस स्वाति मालीवाल को करके अरविंद केजरीवाल के शीश महल पहुंची और वहां के कर्मचारियों से भी पूछताछ की। साथ ही वहां से फोरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम ने एंट्री एग्जिट पॉइंट पर कहां कहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसकी फोटो ली। इस दौरान क्राइम ब्रांच और स्पेशल टीम के अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट में उन्हें कई जगह चोट लगने की खबर है। बताया गया कि कुछ अंदरूनी चोटें आई हैं। आपको बता दें कि दो दिन पहले ही स्वाति मालीवाल का 3 घंटे तक मेडिकल चेकअप हुआ था। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के शरीर पर कुल 4 जगह चोट के निशान पाए गए हैं। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट में साफ है कि उनके बाएं पैर में चोट लगी है, उनकी राइट आंख के नीचे भी चोट के निशान पाए गए हैं। स्वाति मालीवाल के पैर और दाई आंख के नीचे समेत कुल 4 जगहों पर चोट के निशान पाए गए हैं। बता दें कि दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जब मेडिकल कराने अस्पताल पहुंची थी तो उन्होंने कहा था कि उनके सिर पर भी मारा गया था। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के सांसद ने एक बार फिर से आज जो है आईना दिखाने का काम इंडिया अलायंस को किया है। दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के मारपीट मामले पर कहा है कि ये घोर अन्याय है जिसकी जांच होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वे मंत्री हो या फिर मंत्री का साथी हो, यह अधिकार नहीं कि वे महिला पर अत्याचार करे, चाहे वो महिला सांसद हो या फिर आम महिला हो। महिला महिला होती है और महिला के सम्मान के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सुनिए अधीर रंजन चौधरी का बयान। ये अन्याय है, घोर अन्याय होना चाहिए, जांच होना चाहिए। और इसे ये किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो मंत्री हो या मंत्री का सांत्री हो, ये अधिकार तो नहीं है कोई महिला पे अत्याचार करे, कोई महिला पे अन्याय बर्ताव करे, चाहे वो महिला एमपी ना भी रहे, एमएलए ना भी रहे। महिला तो महिला होते हैं, कोई भी महिला पर इस तरीके की अत्याचार, इस तरीके की उनकी सम्मान को लेकर छेड़छाड़ करने के अधिकार किसी को नहीं है। तो इसके लिए सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जो दोषी, वो दोषी को हिरासत में लेना चाहिए, पूछताछ होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में आम आदमी पार्टी की नेत्री और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने सीधे तौर पर बीजेपी की साजिश का आरोप लगा दिया है। उन्होंने एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इसके अलावा आज एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया जहां पर उन्होंने इस तमाम घटनाक्रम का जो सूत्रधार है उसे बीजेपी को बताया है और ये कहा है कि बीजेपी के कहने पर ये चीजें की गई है। दरअसल उन्होंने बयान देते हुए ये कहा कि स्वाति
मालीवाल पर एंटी करप्शन ब्यूरो का एक भर्ती घोटाले का मामला चल रहा है। अब ये मामला खत्म होने के करीब आ रहा है, इसलिए ऐसा लगता है कि बीजेपी का ये जो फॉर्मूला है कि अलग अलग नेताओं पर केस करना है, उसी फॉर्मूले को स्वाति मालीवाल पर इस्तेमाल किया गया होगा। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पिछले कुछ महीनों से स्वाति लगातार बीजेपी के नेताओं से संपर्क में है, तो दिल्ली पुलिस इस बात की जांच करे और ये कैसा षड्यंत्र है, इस पर पूरी जांच होनी चाहिए कि स्वाति मालीवाल किस तरीके से बीजेपी के संपर्क में थी। सुनिए आतिशी का बयान। आपको समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से साजिश करती है। ये भारतीय जनता पार्टी का तौर तरीका है कि वो अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेताओं पे कभी सीबीआई से, कभी ईडी से, कभी एंटी करप्शन ब्यूरो से, कभी दिल्ली पुलिस से केस करती, उनको जेल भेजने की धमकी देती है और उस धमकी के आधार पर फिर विपक्ष की पार्टी के नेताओं को ब्लैकमेल करती है। अगर आप स्वाति मालीवाल जी वाला इंसिडेंट भी देखिए, स्वाति मालीवाल जी पर एंटी करप्शन ब्यूरो का एक रिक्रूटमेंट स्कैम का केस चल रहा है कि डीसीडब्ल्यू में गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया गया। ये केस पिछले कई सालों से चल रहा है, उन पर एफआईआर हुई है। अब ये मामला खत्म होने के करीब आ रहा है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो फॉर्मूला है कि अलग अलग नेताओं पे केस करना, उसी फॉर्मूले को स्वाति मालीवाल जी पर इस्तेमाल किया गया होगा। उन पर जो एसीबी का केस चल रहा है, जो इलीगल रिक्रूटमेंट डीसीडब्ल्यू में केस चल रहा है, उस पर धमकी देके स्वाति मालीवाल जी से शायद ये करवाया गया है। दूसरी बात, हमने तो ये भी कहा है कि स्वाति मालीवाल जी के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच होनी चाहिए। हमें ये विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पिछले कुछ महीनों से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क में है, तो दिल्ली पुलिस इस बात की जांच करे कि ये कैसा षड्यंत्र है, ये कैसा राजनीतिक षड्यंत्र है जो बिल्कुल चुनाव के समय दिल्ली में वोटिंग से 5 दिन पहले रचा जाता है, आम आदमी पार्टी पर हमला करने के लिए रचा जाता है, अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने के लिए रचा जाता है। तो इस पर पूरी जांच होनी चाहिए कि स्वाति मालीवाल जी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थी। आपको बता दें कि जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने बयान दिया है, उसके रिएक्शंस भी आना शुरू हो चुके हैं। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी नेता और प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ अन्याय हुआ, इसके साथ यातना हुई, कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक 72 घंटे पहले यही बात संजय सिंह ने भी कही थी, लेकिन फिर आपने यू टर्न ले लिया। अब कांग्रेस ने ही उन्हें आईना दिखाया है, बल्कि आज तो राहुल गांधी की जो दिल्ली में रैली हो रही है, उसमें अरविंद केजरीवाल को न्योता ही नहीं भेजा गया। कांग्रेस के साथ अन्य नेता असहज हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल को न्योता नहीं दिया गया। आरोप लगाने वाले भी आपके लोग हैं, पुष्टि करने वाले भी आपके लोग हैं, और आज आपसे सवाल भी पूछने का काम उन्हीं के सहयोगी कांग्रेस कर रही है। सुनिए किस तरीके से शहजाद पूनावाला हमलावर नजर आ रहे हैं इंडिया लाइंस पर। अधीर रंजन दा कहते हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ अन्याय हुआ, उनके साथ टॉर्चर हुआ, कार्रवाई होनी चाहिए जिसने भी इस प्रकार का टॉर्चर स्वाति मालीवाल के साथ किया। यही चीज 72 घंटे पहले संजय सिंह ने भी कही थी, पर फिर आम आदमी पार्टी ने यू टर्न कर दिया। यू टर्न ऐसा किया कि अब वो अपने ही सांसद को गद्दार और ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं। मतलब पहले चीरहरण हुआ, जिसका विवरण हमने एफआईआर में देखा है, अब चरित्र हरण करने पर उतर आए, पर अब कांग्रेस ही आईना दिखा रही है। और कांग्रेस ने न केवल अधीर रंजन दा के द्वारा, बल्कि कांग्रेस ने तो आज राहुल गांधी की जो दिल्ली में रैली हो रही है, उसमें अरविंद केजरीवाल को इनवाइट भी नहीं किया है। मतलब कांग्रेस भी जानती है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के निवास में एक राज्यसभा सांसद, महिला सांसद के साथ जो अभद्रता और मारपीट की गई, वो शायद उनको भी असहज महसूस कर रही है। हाँ, प्रियंका वाड्रा इसे इंटरनल मैटर बताकर दबाने की कोशिश कर रही है, हालांकि उनका नारा लड़की हूं लड़ सकती हूं, परंतु कांग्रेस के अन्य नेता असहज है, इसीलिए ना न्योता दिया अरविंद केजरीवाल को, और जो अभी अधीर रंजन चौधरी का बयान है। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी को दोष ना दे, आरोप लगाने वाले भी आम आदमी पार्टी के लोग, आरोप की पुष्टि करने वाले भी आम आदमी पार्टी के लोग, और आज आम आदमी पार्टी से सवाल भी पूछने का काम आम आदमी पार्टी के सहयोगी दल कांग्रेस कर रही है, और कांग्रेस ही उन्हें इनवाइट करने से कतरा रही है दिल्ली की रैली में, जहां पहले तो बुलाते थे। तो
आज आम आदमी पार्टी को बताना चाहिए कि उन्होंने यू टर्न क्यों कर दिया है केवल 72 घंटों में, उस संरक्षण क्यों दे रहे हैं ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर संगीन आरोप लगे हैं विभव कुमार पर, और वो चुप्पी साध कर कितने दिन चलेंगे अरविंद केजरीवाल जी? आप कतराते क्यों हैं, घबराते क्यों हैं जवाब देने से? अगर एक महिला मुख्यमंत्री के निवास में सुरक्षित नहीं है तो कहां सुरक्षित हो सकती है, सोचिए इसके बारे में। आपको बता दें, दरअसल इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट पर कहा था कि इसमें दो बात है, पहला, अगर महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है तो हम उनके साथ खड़े हैं, मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूं चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, लेकिन दूसरी बात यह है कि ये आम आदमी पार्टी आपस में चर्चा करेगी, वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उनके ऊपर है। हालांकि इस बयान को लेकर के प्रियंका गांधी वाड्रा की काफी ज्यादा निंदा भी हुई थी और लोगों ने कहा कि आखिर ये कैसा वक्तव्य दिया गया प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा। बता दें कि दिल्ली में गठबंधन के बावजूद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तालमेल नहीं दिखाई दे रहा है। दरअसल दिल्ली के अशोक विहार रामलीला मैदान में होने वाली राहुल गांधी की रैली में अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाया गया है। दोनों दल एनडीए गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल को न्योता नहीं भेजा गया है वो कई सारे सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या स्वाति मालीवाल मारपीट केस को लेकर के कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी से किनारा करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।